हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम डिस्क्राइब करने वाले हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का सेक्शन नंबर 88। सेक्शन 88 जो है अंतराभिवाची वाद इंटरप्लेटेड सूट के बारे में जो है डिस्क्राइब करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन से किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो लॉ का हो, चाहे जुडिशरी का हो, चाहे एपीओ का हो, चाहे वो जूनियर लीगल ऑफिसर का हो। तो चलिए हम देखते हैं अंतराभिवाची वाद क्या होता है। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप मेरे चैनल्स में, यदि मेरे जो है आप नए व्यूअर्स हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वहाँ पे जो है बेल आइकॉन दिया है उसको दोबारा ना भूलें, ताकि जो है मेरा जब भी वीडियो आए, न्यू अपडेट आए, तो आप ज़रूर से ज़रूर आपको मिले, सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो। चलिए हम देखते हैं अंतराभिवाची वाद क्या होता है। तो हमको पता है कि सामान्यतः जो वाद होते हैं वादी और प्रतिवादी के बीच में होते हैं, ठीक है। कोई भी वाद होता है तो उसमें एक वादी होता है और दूसरा प्रतिवादी होता है। प्रतिवादी यानी कि पीड़ित पक्षकार। पीड़ित पक्षकार जो है वाद पत्र के माध्यम से वादी के विरुद्ध जो है वाद लेके आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे किसी भी ऐसी संपत्ति या हम कह सकते हैं चाहे वो अचल हो, चाहे चल संपत्ति हो, या किसी ऐसे धनराशि या ऋण से संबंधित कोई धनराशि हो, जिसमें विवाद जो है प्रतिवादी और दो प्रतिवादी या दो से अधिक प्रतिवादियों के बीच ही होता है, ठीक है। वादी का इसमें कोई हित नहीं होता, यानी कि जो प्रॉपर्टी वादी के पास होता है उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो अंतराभिवाची वाद है एक प्रकार का ऐसा वाद है, ठीक है, जो प्रतिवादियों के बीच में रहता है। यानी कि एक प्रकार का ऐसा वाद है जो किसके बीच में रहता है, प्रतिवादियों के बीच में रहता है, ठीक है ना। इसमें जो अभिवचन है, ठीक है, वो प्रतिवादियों के बीच में ही होता है। यानी कि उसमें जो किसी भी ऋण का या संपत्ति का दावा है उससे संबंधित वो दो या दो से अधिक प्रतिवादी जो है वहां पे अभिवचन करते हैं, ठीक है। बल्कि उस प्रॉपर्टी का जो उसको हम कह सकते हैं पोजीशन है, वो वादी के पक्ष में होता है। तो वादी से लोग क्लेम करके दोनों मतलब मांगते हैं, तो वादी कहता है कि पहले ये तो डिसाइड कर लो कि ये दो सम ये जो जो जिस जिस संपत्ति जो मेरे पास है, ठीक है भैया, मेरे पास जो संपत्ति है वो मेरा नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन पहले इस संपत्ति के दो दावेदार हैं, या आप भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तो ये तो पहले डिसाइड कर लो कि ये संपत्ति किसकी है, ठीक है ना। यानी कि वहां पे दो प्रतिवादी हो गए हैं, ठीक है। तो अब जो है ये प्रॉपर्टी किसकी है, यानी कि जो प्रतिवादी हैं आपस में ही वाद लेके आते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ कह सकते हैं प्रतिवादी का प्रतिवादी के विरुद्ध ही यहाँ पे वाद होता है। बल्कि भले ही जो है वो जो वादी क्या करता है, संपत्ति का जो पोजिशन है वो रखा रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे बता दें कि ये जो है मेनली वादी क्या करता है, उसमें जो भी ऐसी कोई संपत्ति है जिसमें वो क्या करता है, जो भी प्रभार या चार्जेस हैं, जो खर्चे आए हैं, वो लेने के लिए लाइबल है। बाकी वो संपत्ति अगर न्यायालय द्वारा ये सिद्ध हो जाता है कि ये संपत्ति किसी एक की है, ठीक है, तो वो उस संपत्ति को क्या करता है, परिदान कर देता है, डिलीवर कर देता है। लेकिन उस संपत्ति से संबंधित जो भी खर्चे हैं वो वादी पाने के लिए हकदार होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक कहना यही है कि मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आता भी है या कहीं एग्जाम में या पूछता है इंटरप्लेटर सूट, सबसे पहले प्री के एग्जाम में भी पूछ सकता है इंटरप्लेटर सूट क्या है किस सेक्शन में, तो यहाँ पे आप सेक्शन 88 को आप ठीक कर देंगे। लेकिन अगर ये जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन जो है मेंस में पुटअप हैं कि अंतराभिवाची वाद से क्या समझते हैं। तो अंतराभिवाची वाद ये एक ऐसा वाद है जो धारा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का जो सेक्शन 88 है वो इससे संबंधित है, वही जो है इसको बताता है। और इसमें जो है सामान्यतः वाद जो वादी और प्रतिवादी के बीच होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच न होकर के प्रतिवादियों के बीच का ये वाद है, ठीक है, जिसमें प्रतिवादी ही एक दूसरे के विरुद्ध जो है क्या करते हैं, अभिवचन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बल्कि भले ही उस वो जो प्रॉपर्टी है जिसके विरुद्ध ये मैटर हो रहा है वो प्रॉपर्टी वादी के पास में ही है, ठीक है। वादी जो है प्रॉपर्टी रखा है, लेकिन वो जब तक डिसाइड नहीं होगा कि प्रॉपर्टी जो है किसकी है तो वो प्रॉपर्टी नहीं देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है कि मेन ये है कि उस रियल ओनर उस प्रॉपर्टी का क्या है, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए प्रतिवादी के बीच जो है वाद होता है। ये यहाँ पे अंतराभिवाची बात आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।